Welcome to SG Inceptions, your Acrim channel. 4 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं पाषाण पुणे में एट इंडियाज बेस्ट फ्लावर ऑन फिश फार्म प्रेजेंटिंग बिफोर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि लंबे समय के बाद मैं आपको एक फ्लावर ऑन फार्म दिखाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा फ्लावर ऑन की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती से। हमारे साथ है जय हिंद के ओनर मिस्टर अबरार। हेलो अबरार भाई, कैसे हो आप? शुक्रिया, मैं बहुत अच्छे से हूँ सर। जी तो अबरार भाई, हमने एक साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। हमने एक साल से काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, लगभग 4 वीडियोस बनाए हैं फ्लावर ऑन फिश फार्म के आपके। एंड आज की डेट में जय हिंद का नाम पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इतना पॉपुलर हो चुका है, जो भी फ्लावर ऑन्स रखता है या जिसे भी फ्लावर ऑन्स पसंद है उसको आई एम वेरी श्योर कि फ्लावर ऑन, जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म के बारे में पता ही है। एंड हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने आपसे जय हिंद से फ्लावर ऑन खरीदी है। ऑलमोस्ट उन सभी का मुझे फीडबैक ऐसा आया है कि वो आपकी क्वालिटी से काफ़ी खुश है एंड काफ़ी सेटिस्फाइड है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड आपका मेन इंटेंशन सेलिंग करना नहीं है बल्कि हॉबी को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लावर ऑन्स रखें और सीखे कि कैसे राइट वे में फ्लावर ऑन रखी जाती है। ये आपकी क्वालिटी, ये आपका जेन्युइननेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता, हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, पर अब बढ़ते आपके फार्म की तरफ। आइए जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे फार्म के अंदर, कुछ कलेक्शंस दिखाते हैं जी। आइए, तो ये रहे आपके सामने वो बेमिसाल लाजवाब एक्टिव फ्लावर ऑन्स ऑफ इंडिया मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट फ्लावर ऑन फिश फार्म। सो अबरार भाई, 4 घंटे का सफर करके आया हूँ, पर जैसे ही मैंने फार्म के अंदर अपना कदम रखा, ऑनेस्टली कहना चाहूँगा दिल मेरा इतना खुश हो गया और मन तरोताज़ा हो गया आपके फ्लावर ऑन्स को देखकर। तो भाई, पहले आपके जो फ्लावर ऑन्स है वो काफ़ी सारे जगह पर मिलते थे, ठीक है, और वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत जगह पर डिलीवर तो करते ही हो। हमारे कुछ व्यूवर्स है जो मुझे मेल्स पर और इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आपके फ्लावर ऑन्स मिलते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मैं खुद करता हूँ और यानी कि ऐसा कुछ स्टेट्स के अंदर मेरे फिशेस रहते हैं जी। स्पेसिफिकली पुणे के अंदर मेरा और किधर नहीं है, लेकिन और अदर स्टेट्स के अंदर मेरे फिशेस जाते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस सिटी से बिलोंग करते हो, आप सिर्फ मुझे कॉल करके पूछिए, मैं उस जगह का रेफरेंस आपको दे दूंगा कि मेरे फिशेस किस एरिया में, किस सिटी के अंदर, किस लोकेशन पर, किस बंदे के पास है। ओके, तो वो आपको प्रॉपरली वे में गाइड भी कर देगा। तो अभी शुरू करते हैं आपके फ्लावर ऑन्स कवर करने के लिए। तो अब मैं आपको हर एक फ्लावर ऑन दिखाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में हम आपको फ्लावर ऑन्स की प्राइसेस भी बताने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको प्राइसेस जानने हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जय हिंद फ्लावर ऑन को मैंने इंडिया का बेस्ट फ्लावर ऑन फिश फार्म इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ये काफ़ी क्वालिटी के फ्लावर ऑन्स रखते हैं या हैंडपिक्ड सिलेक्टिव फ्लावर ऑन्स रखते हैं या छोटी साइज़ के फ्लावर ऑन्स में भी एक्टिव पैटर्न वाले फ्लावर ऑन्स रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऐसा एक काम किया है जो मुझे आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है। मेरे हिसाब से चाहे कोई फिश स्टोर हो या फिश शॉप हो, वो इसलिए बेस्ट नहीं बनता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सेलिंग करता है या अच्छे क्वालिटी के फिशेस रखता है। वो तब बेस्ट बनता है जब वो अपने हिसाब से, अपने एंड से कुछ योगदान करता है हॉबी में, और यही जय हिंद फ्लावर ऑन फार्म के ओनर ने किया है। जो भी जय हिंद से फ्लावर ऑन परचेस करता है, अबरार भाई उसे गाइड तो करते हैं, जब भी उसको उनकी हेल्प लगी या फ्लावर ऑन के बारे में कुछ डाउट्स है कीपिंग के रिगार्डिंग, तो भाई उनकी मदद तो करते हैं। बट अबरार भाई ने ऐसे हज़ारों लोगों की मदद की है जिन्होंने कभी जय हिंद से फ्लावर ऑन्स खरीदे ही नहीं है। काफ़ी लोगों को फ्लावर ऑन रखने में दिक्कत होती है, किसी के फ्लावर ऑन्स
कि पैटर्न नहीं आती है, कलर नहीं आता है, हेड नहीं आता है, काफ़ी लोगों को डिवर्मिंग कैसे करनी होती है वो पता करना होता है। तो भाई का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनसे फिश नहीं ली तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, इन्होंने हर इंसान की मदद की है। और ये चीज़ बिंग एक्वेरियम हॉबिस्ट फिश कीपर मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी, एंड आई एम सो प्राउड टू फीचर जैन फ्लोरॉन फिश फार्म ऑन आवर चैनल। और आपने हर वीडियो में जैन को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में भी आप कमेंट सेक्शन में जैन के लिए आप अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड लास्ट बार एक कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्लोरॉन लेने का सोच रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो, ये मैं आपको एक वर्ड देना चाहूँगा कि आप बिंदास बिना देखे बिना सोचे जैन फ्लोरॉन में हेड कर सकते हो, आपको बेस्ट क्वालिटी की फ्लोरॉन अंडर बेस्ट रेट मिल जाएगी। तो भाई सारे फ्लोरॉन्स पे पैटर्न कलरेशन और एक्टिवनेस तो दिखाई दे रही है, पर इस बार आपके कलेक्शन में क्या मिलेगा हमको? इस बार मेरे कलेक्शन के अंदर एसआरडी मैग्मा के एमएल और कंपास लाए हुए हैं जी। तो सारे कलेक्शन आपके सामने है, थोड़े थोड़े पीसेस रखे हैं आपको दिखाने के जी लिए जी। आप जो है वो सामने आप देख लीजिए। कंपास के अंदर जो स्टार्ट होता है वहाँ से है, ये वाला सबसे पहला फ्लावरॉन हम देखेंगे। ये कंपास जो है मुंबई के अंदर सोल्ड आउट किया हुआ है, दिया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, गोल्डन बेस कंपास है, गोल्डन बेस होता है इसको। ये गोल्डन बेस होता है, F2 जनरेशन का कंपास है। सारी जो कंपास है वो F2 है। ओके, F2 एक एनएक ऐसा है जी, ये जेनेटिक है। ओके, F1 F2 F3 F4 ये सारे जेनेटिक्स रहते हैं, उसके अंदर जो है कंपास लाए हुए F2 है ये। ओके, तो ये है अगली फ्लावरॉन और आप इसकी साइज़ देख सकते हो, इसी साइज़ में काफ़ी ख़तरनाक पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको। ये वाला भाई कौन सा फ्लावरॉन है? ये F2 में है। ओके, इसके क्रॉस हेड पर्ल्स है। अच्छा, और काफ़ी अच्छी मार्किंग और पर्ल्स इसके काफ़ी ठीक है जी, अच्छी चीज़ है। अब हम देख रहे हैं तीसरी फ्लावरॉन, ये वाली कौन सी टाइप की है भाई? ये रेड बेस कंपा है F2। ओके, बहुत प्यारा पीस है, बहुत प्यारी चीज़ है जी। हम देख रहे हैं चौथी फ्लावरॉन, ये वाली भाई कौन सी है? F2 में ही है। F2 में है, F2 में है, इसके पर्ल्स प्यारे हैं जी। ये सब जो है बिलो 3 इंच साइज के हैं फिशेस, 3 इंचेस से छोटे हैं। 3 इंचेस से छोटे फिशेस है ये। ओके, इस बार काफ़ी स्टॉक ऐसा ही आया है जो बिलो 3 इंचेस है। अच्छा, और कंपास के अंदर कैसा रहता है, जितने छोटे से लेकर आप ग्रूम करो उतना अच्छा रहता है जी जी। एटलीस्ट मिनिमम ये साइज लेनी चाहिए। ओके, जिसमें कैसा है आपको पर्ल्स हेड और कंपास जो परचेज किया जाता है वो पर्ल्स और मार्किंग देख कर ही किया जाता है जी जी। कंपास में हेड इतने जल्दी नहीं आता, जैसे अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा एसआरडी के अंदर 1.5 इंचेस में भी हेड आपको तूफान दिखेगा। अच्छा, डेढ़ इंच में भी। ओके, लेकिन कंपा जो रहता है, कंपा पर्ल्स मार्किंग रहती है, कंपा जो खुलता है वो 5 इंच के बाद खुलता है जी। और कोई भी फिश आप लोग वो जीनेटिक स्ट्रांग रहनी चाहिए, ये स्कॉर्पियन जिन है बेसिकली। जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्कॉर्पियन जिन के फिशेस है, तो इनकी यानी कैसा है बॉडी साइज, पर्ल्स, मार्किंग, हेड स्ट्रक्चर सब में के साथ में अच्छी चीज़ें हैं ये। तीनों फिन्स के ऊपर ऐसा कमाल का पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, और ये वो भी यही छोटे साइज में, तो बहुत प्यारे लगेंगे। प्रॉपरली ग्रूमर के हाथ पे है सब। अच्छा, जिस तरह ग्रूम करेगा उतना अच्छा पीस बनता है, लेकिन काम का पेशेंस का काम है जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला फुर्तीला फ्लावरॉन, काफ़ी एक्टिवनेस से स्विम कर रहे हैं। ये है 5वां फ्लावरॉन, कंपास फ्लावरॉन। भाई एसआरडी में तो आप कमाल के फ्लावरॉन्स उतारते ही थे, पर इस बार आपने कंपास में भी धमाका कर दिया है। अपने काफ़ी व्यूवर्स जो है वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, और अपने व्यूवर्स के लिए ही लाया हुआ है। अच्छा, और बहुत ही प्यारी जिन है जी जी। स्कॉर्पियन जिन जो है मानी जाती है थाईलैंड के अंदर जी जी। और यानी कैसा, जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें ये साइज में यानी कैसा बिलो 3 इंच है फिश जी जी। जिसके अंदर कलर देखिए, उसका ऑरेंज बेस कलर है जी, और यानी कैसा रेड है, ऑरेंज है, येलो है, मिक्स है, और पर्ल्स उसके हेड पर आप देखेंगे तो क्रॉस हेड पर्ल्स है जी जी। यानी कैसा खूबसूरत पीसेस है सारे पीसेस। इस बार कैसा हो गया है जी जी। कि कोविड के वजह से मैं जा नहीं पाया था ये। अच्छा, पीसेस लाने के लिए। ओके,
तो इस वजह से यानी कि ऐसा है, उनके फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने उनके हिसाब से सेलेक्ट करके भेजे है। अच्छा, तो शुरू से हमने देखे कि जो कामफाज है उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स के और पैटर्न्स के भाई ने यहाँ पे कलेक्शन में अपने रखे हैं। मैंने आपको शुरू से दिखाया हर एक फ्लावरॉन जो है वो काफ़ी यूनिक है, और कामफाज में भी आपको इनके पास जयहिंद में अलग अलग वैरायटीज़ के पैटर्न वाले, क्योंकि किसी को कलर वाला चाहिए होता है, किसी को पैटर्न वाला चाहिए होता है, तो वो सारे आपको इनके पास जयहिंद में मिल जाएंगे। और एक्टिवनेस की तो बात ही निराली है इनके फ्लावरॉन्स की। ये वाला अगला हम लोग देख रहे हैं सिक्स्थ फ्लावरॉन, कामफा फ्लावरॉन, काफ़ी झटका देके उस तरफ गया था। और ये पीस अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी साइज जो है वो 2.75 है। ओ टेल देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए उसका, उसका हेड देखिए कितने छोटी साइज के अंदर। कामफास में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कामफास में हेड जो है वो 5 इंच के बाद है। अच्छा जी जी, कामफा बेसिकली SRD नहीं है, इसको पालने का तरीका बहुत प्यारा है जी। और आप फिशेस को देख सकते हैं क्या क्लास है इनका और क्या क्वालिटी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि अपनी डोर्सल फिन बार बार इरेक्ट कर रही है, उसकी वजह से और भी इसकी जो शान है वो बढ़ रही है। अभी तो इनको यानी कि सब ग्रूमिंग नहीं किया हुआ है, ये जस्ट अभी लेटेस्ट आया है कलेक्शन। अच्छा, इनको सिर्फ सेटल किया है। ओके, और बहुत ही प्यारे पीसेस है। ये वाला भी भाई वही सेम साइज का है, सारे सेम साइजेस है। अच्छा, हेड की तरफ पैटर्न काफी खूबसूरती से दिखाई दे रही है। ये है आठवीं फ्लावरॉन, ये वाली कौन सी है भाई? ये भाई कामफा में F2 में ही है। कामफा में F2 है। अच्छा, वाइट आई कामफा कहते हैं। वाइट आई कामफा मतलब इनकी आईज, इसकी आंख अगर आप हेड से देखेंगे तो वाइट आई है। ओके, और कैसा है खूबसूरत पीस है, जिसको हेड भी आप देखेंगे तो ये कैसा है बिलो 3 इंच है जी जी, लेकिन इन्हें कैसा हेड पर्ल्स मार्किंग बहुत प्यारी है। यह है 9th कामफा फ्लावरॉन, और मैं चाहूँगा कि आप इसकी जो डोर्सल फिन की पॉइंट अगर आपने नोटिस करी तो काफ़ी शार्प है और पूरी पैटर्न के साथ भरी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी फ्लावरॉन्स हमने आपको दिखाए हैं अभी तक, वो सारे फ्लावरॉन में, हर एक फ्लावरॉन में कुछ यूनिकनेस है, हर एक फ्लावरॉन में कुछ अलग खूबी है, और यही इसलिए जयहिंद फ्लावरॉन जो है वो जाने जाते हैं। यह है 10वां कामफा फ्लावरॉन, और ये कामफा फ्लावरॉन कलेक्शन का सबसे छोटे साइज का फ्लावरॉन है। इसकी साइज एट प्रेजेंट 2 इंचेस की है। तो हमने आपको 10 कामफा फ्लावरॉन्स दिखाए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं SRD फ्लावरॉन्स। और जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो में आपको हम लोग काफ़ी सारे SRDs दिखाते हैं। एट प्रेजेंट भी जयहिंद में 200 के करीब SRD फ्लावरॉन्स है, पर इतने सारे तो हम आपको दिखा नहीं सकते, पर उनमें से कुछ हम आपको दिखाएंगे, और अंत में वीडियो के हम लोग प्राइस डिस्क्लोज करने वाले हैं, सो आप बने रहिएगा। सबसे पहला SRD फ्लावरॉन है ये, एंड आप वीडियो में ही देख सकते हो इसकी साइज़ कितनी छोटी है। ओवर टू यू अबरार भाई। ये 1.7 इंचेस का SRD है। 1.7 इंचेस का, ओ माई गॉड, 2 इंचेस से भी कम का, और इसी साइज़ में आप इसकी पैटर्न देख सकते हो, जैसे लग रहा है कि 6-7 इंच का फ्लावरॉन है, जो 6-7 इंच वाली फ्लावरॉन को जैसा पैटर्न आता है वैसा पैटर्न इसको यही साइज में आ चुका है। ये अभी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ जी। ये हो गया, ये SRD हो गया, ये साइडलाइन इन ब्रीड के है। अच्छा, ये ब्रीड जो है ये जीनेटिक असर है, पहली चीज ये है जीनेटिक्स असर। ओके, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसकी बॉडी जो है वो अब तक ये बच्चा है जी, ये बड़ा नहीं है जी जी, लेकिन इसके जिन में जो पावर है जी जी, वो पावर के वजह से उसके फादर्स के जो उसके जेनेटिक असर है वो उस पर दिख रहा है। सही बात है। और अभी मैं ऑनेस्टली वे मैं आपको बताऊँ, इन मच्छियों को न कलर फूड स्टार्ट किया हुआ है, ना ओकीको प्लैटिनम, ना कोई दीगर पैलेट फूड्स है। ओके, अभी ये सिर्फ नॉर्मल वर्म्स पर है, क्योंकि थाई में भी वर्म्स खाते थे, यहाँ पर भी लाने के बाद मैंने वर्म्स पे ही रखा है जी जी। तो आप देखेंगे इनको अभी कलर नहीं है। अच्छा, लेकिन इन्हें का ऐसा है जब ये 3 इंच साइज हो जाएंगे और उसके बाद फिर इनको ट्रीट किया जाएगा पैलेट्स वगैरह से, तो ये इनका जो कलर, इनकी जो खूबसूरती रहेगी
वो बहुत यूनिक रहेगी। अभी इसके ऊपर आपको सिर्फ मार्किंग दिखेगी जी जी, बट यानी कैसा कलर नहीं दिख रहा होगा जी जी, बाकी जैसे बाकी फिशेस के अंदर आपको कलर नजर आएगा। पर भाई ये साइज में ऐसी मार्किंग अगर दिखाई दे रही है तो वही अपने वे में एक बहुत बड़ी बात है। हॉबीस्ट पसंद करता है मच्छी पालना जो है 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच जी जी, ये जो साइज रहती है ये साइज के अंदर जब आप मच्छी लेते हैं जी, और आप जब उसे ग्रूम करते हैं तो ग्रूमिंग का एक अलग मजा है। सही बात है। और उस मजे के अंदर यानी कैसा है, हर हॉबीस्ट कभी ये कहता है कि मुझे छोटे साइज से पालना है, पैसे की बात नहीं है जी जी जी। कुछ हॉबीस्ट ये कहते हैं मुझे यानी कैसा बड़ा साइज चाहिए जी जी। तो मेरे पास सारे वेरियंट है सारे साइजेस के जी जी, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ और दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सबसे पहले हमने आपको SRDs दिखाए 1.7 इंचेस की साइज में, ऐसा कमाल का पैटर्न अविश्वसनीय। अब हम बढ़ेंगे अगले फ्लावरॉन्स की तरफ। यह है अगला लाजवाब फ्लावरॉन, क्या बोलोगे भाई, काफी कमाल का दिख रहा है। ये 3.5 इंचेस का फिश है, 3.5 इंचेस का कैसा है जी, बहुत प्यारी मार्किंग है और बहुत ही अच्छी जेनेटिक है, प्रॉपर हेड है और प्रॉपर मार्किंग्स है जी, ये चौथा वाला है। इन दोनों में तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस है? दोनों में कैसा है, ये मैग्मा के इसमें आता है जी, इसमें कैसा फुल बॉडी पर पर्ल्स रहते हैं दोनों में भी। ओके, ये दोनों मैग्माज में आते हैं, दोनों का हेड शेप, दोनों का साइज, दोनों का इक्वल है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम थोड़ा कोई ज्यादा रहता है। हाँ, दोनों भी जेनेटिक सेम ही है, पेरेंट सेम है, अच्छा, ब्लड लाइन सेम है। ओके, फिश की क्वालिटी बहुत प्यारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी है, सेटल है जी जी। हाँ, ये सारी चीज़ें है इसमें, लेकिन दोनों के पर्ल्स में बहुत प्यारे ग्रेड्स है जी। और मैं SRDs में भाई हर बार जब भी मैं आता हूँ SRDs में, मुझे हमेशा आपके फ्लावरॉन्स में प्रॉपर हेड दिखाई देता है। ऐसा कोई भी फ्लावरॉन दिखाई नहीं देता है जिसका मतलब हेड नहीं है या हेड छोटा है, दबा दबा हुआ है। हर एक फ्लावरॉन में एकदम प्रॉपरली कर्व्ड शेप वाला हेड दिखाई देता है। सो एक के बाद एक आपको और सारे SRDs में दिखाऊंगा। इस वाले फ्लावरॉन के आप पैटर्न देख सकते हो, थोड़े बहुत ग्लो कर रहे, जो मार्किंग्स है हेड के ऊपर वो ग्लो कर रहे। देन इस वाला फ्लावरॉन का आप कलरेशन अगर देख सकते हो तो कुछ अलग सा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट फ्लावरॉन। ये फ्लावरॉन की वैरायटी मुझे काफ़ी पसंद है, बेहद पसंद है भाई। आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है इसका? ये फिश का नाम है मेटेलिक मैग्मा। मैग्मा के अंदर ये एक काफ़ी खूबसूरत वेरिएंट है। अच्छा, इसके अंदर कैसा रहता है, ये थाई सिल्क के साथ क्रॉस किया जाता है। okay, जिसके वजह से इसके बॉडी के ऊपर सिल्क कलर के साथ में जो है वो ब्लूइश शेड भी रहता है जी जी जी। काफ़ी खूबसूरत पीस रहता है ये, और कैसा है, काफ़ी ही मज़ा आता है उसको देखने में। काफ़ी कमाल का फुर्तीला एक्टिवनेस दर्शा रही है टैंक में। और वैसे तो जो मेटेलिक फीचर्स है वो उसके बॉडी पे तो दर्शा ही रही है एक्टिव होने के साथ साथ। आई एम श्योर जिसके पास भी जाएगा वो काफ़ी लकी रहेगा। ये वाला एक नेक्स्ट फ्लावरॉन है भाई, ये कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? KML जिन में से है। KML जिन, हाँ। ओके, इसके लिए कैसे, इस पे पर्ल्स मार्किंग जी है, पूरी बॉडी माउथ टू टेल अगर आप देखेंगे ना जी जी जी, तो उसके ऊपर पूरे पर्ल्स रहते हैं और जो बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी तो बच्चा है 3 इंच का। अच्छा, 3 इंच का। हाँ, तो लेकिन ये जैसा बढ़ता है वैसा इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। सो यहाँ पे और भी खूबसूरत फ्लावरॉन्स है। एंड ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे 200 के करीब फ्लावरॉन्स हैं, और पिछले बार पिछले स्टॉक में इससे भी ज़्यादा थे भाई के पास, 350 से ज़्यादा फ्लावरॉन्स थे। तो ये आते जाते रहते हैं। एंड अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने वाला हूँ। सो काफ़ी मज़ा आया अबरार भाई दोबारा आपके फार्म में आकर, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया मैं और दिल खुश हो गया। आशा करता हूँ कि मैं हमारे व्यूवर्स को भी उतना ही मज़ा आया रहेगा जितना मुझे शूट करने में आया। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर कुछ लोगों ने बोला था कि प्राइसेस जानिए, वैसे तो आप व्हाट्सएप पे बताते ही हो प्राइसेस,
पर कुछ लोगों ने बोला था कि वीडियो में भी अगर बताए तो अच्छा रहेगा। ये सब फ्लावरॉन्स की अगर प्राइसेस अगर उनको जाननी है तो कुछ स्टार्टिंग प्राइस बता पाओगे आप हमको? SRDs के अंदर मेरे पास जो 3.5 इंचेस के फिशेस रहते हैं उनका प्राइस स्टार्ट होता है 2500 रुपीज़, 2500 से। अभी कैसा है, काफ़ी सारे पीसेस हैं जी, ये तो सिर्फ सैंपल आपको दिखाया है, वीडियो जो सैंपल है वही दिखाया जी है। जी हॉबीज का कैसा है कि वो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जो लेना रहता है वो अपडेट देता है, सेलेक्ट करता है जी जी। तो हर एक ब्रीड का अलग है, वो जैसी ब्रीड का सेलेक्ट करता है, जैसा पीस लेता है उस हिसाब से इकोनॉमी रेंज पर जो है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस पर फिश सप्लाई की जाती है, और वो चीज़ का कंसेप्ट है मेरा पहले से। अच्छा, तो भाई आपने फ्लावरॉन्स की स्टार्टिंग प्राइस बताई 2500 रुपीज़, 2500 रुपये से शुरू है फ्लावरॉन्स, पर आपके फ्लावरॉन में 200 के करीब फ्लावरॉन्स है। अब सब फ्लावरॉन्स तो हम दिखा नहीं सकते और ना ही सारे फ्लावरॉन्स की प्राइस वीडियो में मेंशन कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी व्यूअर को कोई ऐसी फ्लावरॉन पसंद आई और उस फ्लावरॉन की प्राइस उसको जाननी रहेगी तो कैसा रहेगा? दो चीज़ें पर काम कर रहा हूँ मैं। तो पहले नॉर्मली बेसिक ऐसा होता था कि व्हाट्सएप पर बंदे जो है वो कॉल करते थे जी, अपना प्राइस डिस्क्लोज करते थे कि भाई हमें ये सेगमेंट में ये रेंज तक की फिश लेनी है, आप उस रेंज के अंदर कोई अच्छी सी चीज़ दिखाओ। तो मैं वो सेगमेंट भी चालू है, बस इसके अलावा ये है कि मैं एक ऐप लेकर आ रहा हूँ जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर ओके। इसमें क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन पर कोई डिटेल्स आपकी देनी नहीं है, वहाँ पर आप जब वो ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको उसके अंदर मेरे सारे फीचर्स नज़र आ जाएंगे। okay. सारे फीचर्स नज़र आ जाएंगे, उन फीचर्स का प्राइस टैग, जैसे SRD है तो SRD में क्या प्राइस का SRD है, आपका जो वेरिएंट है, अगर मान लीजिए आप 2500 के वेरिएंट पर देख रहे हैं तो 2500 के वेरिएंट के सारे फीचर्स आपको वहाँ दिखाए जाएंगे, फोटोज प्राइजेस के साथ, फोटोज वीडियोज प्राइजेस के साथ दिखाए जाएंगे। ऑलराइट, तो वो सारी चीज़ें मैंने कैसा है वो हो गया, उसके बाद जो फिश फूड्स हो गए सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है भाई, वही कोशिश कर रहा हूँ, उसी के ऊपर काम चालू है, जिसका लिंक जो है मैं आपको देता हूँ जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा जरूर। मैं सारे मेरे SJ व्यूअर्स से ये स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कोविड के ख़राब टाइम पर आप अपने घर पर रहें, आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मास्क यूज़ करें और जो सैनिटाइज वगैरह यूज़ करना है वो यूज़ करें, अपनी जान की सबसे पहले ख्याल रखें, बी हैप्पी बी सेफ, हैप्पी फिश कीपिंग। जी ऑलराइट भाई, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड कवरिंग योर फिश फार्म। माई प्लेजर ओके भाई।